हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कपिल सिब्बल ने किया कांग्रेस से किनारा, सपा के सहयोग से जाएंगे राज्यसभा। कांग्रेस में लंबे समय से बागी सुर बुलंद करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी से समर्थन से राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने इसका खुलासा किया है। पत्रकारों से बातचीत में कपिल सिब्बल ने खुलासा करते हुए बताया कि वो कांग्रेस से 16 मई को ही त्याग पत्र दे चुके हैं। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफे का खुलासा करते हुए कहा कि हम विपक्ष में रहकर एक गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए। मैं खुद इसका प्रयास करूंगा। सिब्बल ने ये भी कहा कि उन्हें सभी दलों ने समर्थन दिया है। कपिल सिब्बल ने समर्थन के लिए आजम खान का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने खुद साफ किया कि वो सपा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन किया है। सिब्बल ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं राज्यसभा का निर्दलीय उम्मीदवार बनने जा रहा हूं। मैं हमेशा इस देश में स्वतंत्र आवाज बनना चाहता था। मुझे खुशी है कि अखिलेश यादव ने इसे समझा। हम पार्टी का सदस्य होने पर उसके अनुशासन से बन जाते हैं। कपिल सिब्बल के नामांकन के बाद आज अखिलेश यादव ने कहा कि कपिल सिब्बल ने नामांकन दाखिल किया है, वह सपा के समर्थन से राज्यसभा जा रहे हैं। दो और सदस्य राज्यसभा जा सकते हैं। कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील हैं, वह संसद में भी अपने विचार रखते रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अपने और सपा के विचारों को रखेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि दो और उम्मीदवार भी जल्द नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक डिंपल यादव और जावेद अली को भी सपा राज्यसभा का टिकट दे सकती है। लखनऊ से जागरूक टीवी के लिए खास रिपोर्ट।